नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश के बैतूल से लगे बीजादेही थाना क्षेत्र के गांव तारा में आज सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल गांव के लिए रवाना हुआ, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी FSL दल को लेकर गांव के लिए रवाना हुए। घायलों को चिचोली और जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ग्राम तारा निवासी बाला यादव और नारायण यादव के बीच लंबे समय से आधा एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज इसी संघर्ष ने नारायण यादव के पक्ष ने अपने चाचा बाला यादव की हत्या कर दी। SDPO महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि तारा निवासी बाला यादव और नारायण आपस में रिश्तेदार हैं। बाला यादव नारायण का चाचा है। दोनों के बीच आधा एकड़ जमीन को लेकर अदालत में केस चल रहा था, जो कि हाल ही में बाला जीत गया, जिसके बाद वह मौके पर कब्जा लेने और फसल बोने गया था। इस बीच बाला का अपने भतीजों नारायण व अन्य से विवाद हो गया, जिस पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला शुरू कर दिया। इस संघर्ष में नारायण के पक्ष ने अपने चाचा बाला की कुल्हाड़ियों से वार कर हत्या कर दी। इस घटना ने माखन यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि दोनों पक्षों के करीब 8 लोग चिचौली सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। क्या नाम है आपका? माखन यादव। कलन जी, बताइए क्या हुआ था, क्या विवाद, किस चीज का विवाद हुआ? विवाद ये हुआ, सामने वाली पार्टी आके हमारी बारी जोतने लगे। वही टाइम पे मेरे पापा दौड़े कि भाई अब बारी मत जोतो, हमारी स्वयं की बारी, बाप दादा की खानदानी, हमारा मकान वहीं पे था, सब कुछ वहीं पे। इस बीच में वो ट्रैक्टर लेके हमारी बारी जोतने दौड़े, खेत में ट्रैक्टर आई बाड़ी में, वही पापा दौड़े, उन्होंने जो वार किया तो पापा गर्दन उड़ा दी। इस बीच में हमें लोग सब इधर से, मैं था और दौड़े, बीच बचाव करने मुझे भी लगा और मेरे भाइयों को भी, कौन कौन को लगा, बाकी तो मुझे सूच नहीं है। अच्छा, ये कौन लोग थे जिनसे आपको विवाद? ये है मनोहर बिनोद नारायण अंतराम के लड़के हैं ये लोग। आपके भी रिलेटिव हैं इनको पहचान वाले? हाँ, वो रिश्तेदार हैं हमारे। कितनी एकड़ जमीन है आपके यहाँ? जमीन हमारी टोटल वहाँ पर 15-20 डिसमिल के लगभग है। दोनों की अलग अलग, उनकी अलग हमारी अलग है, बाप दादा का हिस्सा है। आपके कौन लगते हैं? वो बाबा लगते हैं हमारे। क्या वो फिर कार से हमला किया? कुल्हाड़ी से हमला किया, रिवाल्वर वगैरह भी थी कुछ, मेरे पिताजी कुल्हाड़ी से हमला किया था। इतना देखा हमने कि किन किन को चोट आई, कितने लोगों को चोट आई? हमारे में से 3-4 लोग को चोट आई है। कौन की डेथ हुई है? उसमें पापा की डेथ हुई है। विकम ग्राम अपने थाना क्षेत्र का तारा ग्राम है। यहाँ पे कुछ हत्या और कुछ मामला हुआ है जमीनी को लेकर, क्या है सही मामला? ग्राम तारा बीजादेही थाना क्षेत्र का ग्राम होकर सुबह यहाँ सूचना मिली थी कि बालाराम यादव और उसका भाई अंतराम यादव, जो तारा ग्राम में रहते हैं और पड़ोसी है, बाड़े को लेके, बाड़े यानी जो मकान के पीछे बाड़ा रहता है, उसको लेके विवाद हुआ है और दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें बालाराम यादव को अंतराम यादव के परिजनों के द्वारा कुल्हाड़ी से वार किया है, जो उसके गर्दन पर लगी है। ऑन स्पॉट बालाराम यादव एक्सपायर हो गए। इसमें बालाराम यादव का एक लड़का को गंभीर चोट है, जिसे माखन नाम के, जिसको रेफर किया है शायद यहाँ से बैतूल से ही भोपाल के लिए रेफर कर सुन रहे हैं। दोनों पक्षों में डंडे से मारपीट हुई है। बालाराम यादव के द्वारा अपने बचाव में, उनके परिजनों के द्वारा बचाव में शायद ये कदम उठाया हो, तो इसमें करीब 8-10 लोगों को चोट है और चिचोली अस्पताल में इलाजरत है। अपराध 302, 307, 147, 148, 149 भारतीय दंड विधान का बीजादेही थाने में कायम किया गया है। मृतक का PM
के लिए रेडवाड़ी चिचोली CSC भेजी गई है। पूरा संपूर्ण प्रकरण ये है, भाई भाइयों का झगड़ा है, जमीनी विवाद। हाँ, जमीनी जमीन का विवाद है, बाड़े का पीछे का। ठीक है।